ये नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस नई सीरीज में जो बहुत सारे जो सवाल हैं, हम इसमें जो शोषण है, जो खास तौर से आज यूथ का शोषण हो रहा है नौजवानों का, वो उसके बहुत सारे रूप हैं, उस रूपों के बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये बात करेंगे कि ये जो पूरी इतिहास में किस तरीके की ये शोषणकारी व्यवस्था रही है, जिस किस किस तरीके से लूट हुई है, कब से पूरे सीक्वेंस शुरू हुआ है, जिस जहाँ पे हम आज खड़े हैं, इससे पहले की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके के जो लूट के तरीके थे और अभी लूट के तरीके क्या हो गए हैं। तो ना कोई कानून, ना कोई सिस्टम, ना किसी तरीके का कुछ नहीं था। तो ये अतीत की बात है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा समझना, मोटा मोटा ये समझ लो कि हमारे इतिहास में जो लिखा है, जो दास प्रथा है, गुलामों की प्रथा है, इंक्लूड यहाँ तक था कि जो गुलाम है, जो मनुष्य हैं, वो गुलाम के रूप में बेचे जाते थे, और ये जो गुलाम जो है, एक आदमी दूसरे आदमी को बेचता था, मतलब ऐसी ये सिचुएशन थी कि मनुष्य को गुलामों की तरह रखना तो छोड़ दो, गुलाम थे जिन गुलामों को बाजारों में बाकायदा जंजीरों में बांध के लाते थे और वहाँ बाजारों में बेचते थे। एक राजा दूसरे राजा का जो है गुलाम को ख़रीदता था, उनको ले जाके फिर उनसे काम कराता था, और जो भी अच्छा लगे, जब तक उनका वो मालिक होता था, गुलामों का मालिक होता था। ये पूरा इतिहास है जो हमारे इतिहास, जो हमारे जो हिस्ट्री है, उसमें दर्ज है। उसके बाद से साथियों, जो राजाशाही के समय के साथ से फिर एक नया युग बदला, हमको यहाँ से समझना है, नया युग चेंज हुआ, जो किसानी का और जो उसका सिस्टम था वो बदल करके औद्योगीकरण शुरू हुआ। अगर औद्योगीकरण की हम बात करेंगे तो ये 16वीं सदी में जो है शुरू हुआ ब्रिटेन में, और वहाँ से धीरे 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 बढ़ करके 17वीं और 18वीं सदी में ये भारी बड़े रूप में पूरी दुनिया में फैल गया। 18वीं सदी का वो समय था जब शोषण, जो पहले गुलाम उस तरीके से जो राजा महाराजों के पास हुआ करते थे, क्योंकि उस समय कारखाने नहीं थे, औद्योगीकरण होने के बाद से ये बड़ा जो गुलामी का रूप निकल के आया वो कारखानों के अंदर आया। और कारखाने उस समय बहुत सारे कपड़ा मिल थे, इस तरीके से जो भी कारखाने थे, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे दूसरी जगह और भी हों, उन कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनकी भयावह स्थिति थी। और आप ये समझेंगे कि उनके लिए ना तो कोई कानून था, ना कोई नियम था, ना कोई वेतन का नियम था, कुछ भी नहीं था, ना कोई काम के घंटे थे, जो मर्जी जैसे करना, जो मर्जी जितने करना, उनकी बस्तियां नहीं थी, वहाँ रहने की जगह नहीं थी, और तो हालत यहाँ तक थे कि ना वहाँ पीने का पानी साफ, ना बच्चों की पढ़ाई, ना कोई हॉस्पिटल, कुछ भी कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ में दो तरीके की धाराएँ हैं, एक धारा जो अमीरों की धारा है, अमीरों का मीन्स मेरा पूंजीपतियों से है, कैपिटलिस्ट से, अमीर का मतलब कोई छोटा आदमी या जिसके पास 2-4-10 करोड़ की संपत्ति है, वो अपने आप को अमीर मानते हैं, मगर मेरा जो अमीर शब्द का उपयोग है वो उनके लिए नहीं, अमीर शब्द का उपयोग पूंजीपतियों के लिए है। तो जो अमीर विचारधारा है, एक गरीब विचारधारा है। अमीर विचारधारा जो कारखानों का जो हित के लिए, पूंजीपतियों का विचारधारा जिसको लेकर चलते हैं, वो जो गरीब विचारधारा है वो मजदूरों को लेकर चलते हैं। तो जब ये शोषण बढ़ा तो गरीबों के अंदर दर्द था, वो बहुत शोषण के खिलाफ आदमी आवाज़ उठा रहा था उस समय, और उसी समय यही सदी थी जिसमें मार्क्स ने का जन्म हुआ, और 1818 में मार्क्स का जन्म हुआ, और मार्क्स के ने इस पूरी जो लड़ाई है, इस पूरा जो शोषण है उसको अपनी आँखों से देखा है, और आंखों से देखने के बाद पढ़ाई के साथ ही उन्होंने इस पूरी जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी थी, गरीबों की सर्वहारा वर्ग की राजनीति थी, सर्वहारा वर्ग की राजनीति को उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश की। जो शोषित वर्ग है उसमें किसान और मजदूर हैं, और वहाँ पे मजदूर था तो मजदूर उनको उन्होंने प्राथमिकता से लेकर के ये पूरा डिस्कशन, पूरी विचारधारा को उन्होंने बनाया, लिखा, उसको पूरी विचारधारा को लिखा 1848 यानी जब वो 30 साल के थे, तब उन्होंने और एंगेल्स ने मिलके कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया, और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें समझाईं कि सर्वहारा वर्ग कौन है, शोषित कौन है, शोषक कौन है, पूंजीपति कौन है, पूंजीपति किस तरीके से शोषण कर रहा है, क्या इसका वर्गीय चरित्र है, किस तरीके की वर्गीय विचारधारा है, किस तरीके की वर्गीय सोच है, किस तरीके से हमको दिमागी रूप से गुलाम रख रहे, पूरा एक विस्तारित जो है उसके अंदर बातचीत जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा।
और मार्क्स ने इस पूरी विचारधारा को इस तरीके से किताबों में ढाला, पूरी तरीके से लिखा, पूरा एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वैज्ञानिक विचारधारा, जो गरीबों का पूरा जो विचारधारा है उसका पूरे रूप को उन्होंने दुनिया के सामने रखा और उस विचारधारा को जिस तरीके से रखा, और उसी समय जो है ये लड़ाई चल रहा था। इस आंदोलन में आपको याद है कि 1883 में मार्क्स की डेथ हुई और 1886 में एक मजदूर दिवस जो हम मनाते हैं 1886 का इतिहास है जो शिकागो शहर में हुआ था। इसका मतलब है कि उस समय जो मेहनत कश वर्ग थे जो पूरी दुनिया के अंदर, वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनके काम के घंटे तय हों। काम के घंटे तय नहीं थे, बाकी सुख सुविधाओं के साथ में सबसे बड़ा जो पार्ट था वो काम के घंटों का था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे समाज के लिए, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे पूरा दुनिया का मजदूर। तो ये 1886 में जो दमन हुआ, और इस पूरे आंदोलन के ऊपर जो है दुनिया के पूंजीपति दमन कर रहे थे, पता नहीं कितने सारे लोगों की हत्या कर दी उन्होंने, पता नहीं क्या क्या किया, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों को मारा पीटा, कितने लोगों को बर्बाद किया, काटा कूटा, सब कुछ किया उन्होंने। मगर इस मार्क्स की विचार है, इस विचार को जो जब ये रूस में और बाकी जगह दुनिया में ये विचार फैला, तो इस विचार के फैलते ही जो मेहनत का वर्ग है उसको एक संगठित तरीके से उसके दिमाग को एक रास्ता मिल गया, इस रास्ता पे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और उसी आगे बढ़ने की लड़ाई का नतीजा था। तो ये लड़ाई मैं सीक्वेंस समझाना चाहता हूँ कि जो ये लड़ाई जो है मजदूर वर्ग की लड़ाई, जो मार्क्स की विचारधारा, इसका बहुत ही गहरा संबंध है। मार्क्स की विचारधारा का ही देन है कि जो है पूरे दुनिया के मजदूरों को मेहनत के स्पर्श को एक दिशा मिली और उस दिशा के आधार पर उस विचारधारा पर दुनिया के मजदूर आगे बढ़े। जो लड़ाई संघर्ष हुआ पूरी दुनिया में, उस दुनिया के संघर्ष ने, मजदूर वर्ग ने कह दिया कि हम इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार करेंगे। इसके बाद से साथी फिर एक युग का बदलाव हुआ, वहाँ से फिर एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसको हम आज जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसकी कल्याणकारी जो राज्य की जो है अवधारणा जो है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके बाद शुरू हुई। और उसके बाद से दुनिया में मालिकों ने एक मानना पड़ा उनको कि ठीक है, हम आपके इसके लिए श्रम कानून बनाएंगे, आपको इसके लिए सुविधाएं देंगे और आपका जो है जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्था देंगे, आपके काम के घंटे तय करेंगे और ये सारे पूरी दुनिया में श्रम कानून बने। इसी लड़ाई का आगे नतीजा था कि लेनिन ने जो है, लेनिन आ गए थे, लेनिन ने जो है 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई। 1870 में लेनिन का जन्म हुआ। अगर हम 1917 की बात कर लेते तो लेनिन उस समय 40-42-43 साल के रहे होंगे, तो उनके नेतृत्व में 1917 में क्रांति हुई। और 1917 में क्रांति, जैसे रूस में क्रांति हुई वैसे दुनिया में एक बहुत बड़ा माहौल चला गया और पूरी दुनिया के देश जो है डर गए। क्या पूरे दुनिया में जो है ये जो है कम्युनिस्ट पार्टियां और ये जो मजदूर वर्ग की विचारधारा की सरकारें हैं पूरी दुनिया में आ जाएंगी? तो उन्होंने फिर पीछे आकर के कहा कि नहीं, हम जो है ये सारा जो है जो आपको जो है देंगे। और उसके बाद से फिर सारे दुनिया में जो है सारे मजदूरों के श्रम कानून बने। ये दुनिया का इतिहास, अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, अपने देश के इतिहास पर आ जाते हैं। हमारे देश का जो औद्योगिकीकरण है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे देश में अंग्रेज ही जो भी ये टेक्नोलॉजी जो भी था वो लेके आए थे। 1600 में अंग्रेज हमारे देश में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का एक कंपनी लेके आए थे और उन्होंने उस कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे करके पूरा देश पे कब्जा कर लिया। ये टेक्नोलॉजी का कमाल देख लीजिए, हम गुलाम हो गए उनके, अंग्रेजों के। तो हमारे देश को लूटा उन्होंने, मगर उस लूट के साथ में जो भी टेक्नोलॉजी जो लेके आए वो अंग्रेज ही लेके आए। और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब रूस की क्रांति हुई तो हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए। अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ देश के अंदर बिल्कुल उबाल था। इस कारण से जो है जो ये शोषणकारी नीति हमारे देश के अंदर थी, हमारे देश में 1926 के पहले तक इस तरीके की व्यवस्था थी, उस समय जो भी लगे थे कारखाने उसमें बेतहाशा शोषण था। और उसके बाद से 1917 के बाद
जब दुनिया में श्रम कानून बने तो हमारे देश के अंदर 1926 में पहला ट्रेड यूनियन एक्ट बना, और ट्रेड यूनियन एक्ट के पहले 1923 में भी एक कानून बना था जो मजदूरों के लेकर बना था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लड़ाई चल रही थी उसके हिसाब से श्रम कानून बनना शुरू हो गए, और ये समझने की बात है कि हमारे देश में कोई लड़ाई उस तरीके से नहीं हुई थी, मगर दुनिया में जो ये लड़ाई हुई वो दुनिया की उस लड़ाई के कारण से हमारे देश के अंदर श्रम कानून बने, ये हमको समझना है। हमारे देश के श्रम कानून अंग्रेज़ों ने अपने आप नहीं बना दिए थे, अंग्रेज़ों का वो डर लग रहा था कि हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टियां थी, बड़ा तगड़ा मूवमेंट था आज़ादी के, क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी एक्चुअली कम्युनिस्ट ही थे, तो क्रांतिकारी बड़ी संख्या में हमारे देश में थे, तो सरकार को डर लगा कि ऐसा ना हो कि सारे लोग मिलके क्रांति कर दें तो हमारे देश पे कब्जा कर लें। रूस बड़ी ताकतवर देश के रूप में उभरा था उस समय, तो हमारे देश के अंदर 1926 में श्रम कानून बने, और हमारे देश के अंदर हमारी जो अंग्रेज थे उन्होंने सारे कारखानों में परमानेंट नौकरी का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार जो है 1926 में दिया। इसके बाद से फिर 1937 में कुछ कानून बने, न्यूनतम वेतन का कानून बना, 1948 में जो है आते आते तक आज़ादी की लड़ाई के आते आते तक ये बहुत सारे जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948, 1947, ESI का एक्ट 1947। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी श्रम कानून हैं सारे वो आज़ादी की जो हमारे भारत देश की सरकार बनने वाली है उसके पहले बने। अंग्रेजों के समय पे कुछ बने, कुछ समय अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी उस समय आखिरी में बने, मगर ये सारे श्रम कानून हमारी जो देश में आज़ादी के बाद सरकार बनी उसने नहीं बनाए, अधिकतर कानून पहले बन चुके थे। 1952 में कुछ शायद PF का एक कानून बना, और आप देखेंगे 52, 54, 55 तक अधिकतम मान लो, उस समय तक जो है सारे श्रम कानून जो है ये जो एक दो कानून बचे थे उनको बाद में बना, बाकी बेसिक कानून जो है वो हमारी आज़ादी के पहले ही श्रमिकों ने लड़ करके ये कानून बनवा लिए थे। अब जैसे ही हमारे देश में सरकार बनी तो हमारे देश की सरकार ने उन श्रम कानूनों को कमज़ोर करना शुरू किया, क्योंकि पूंजीपति आ गए थे, पूंजीपति और सरकार बन गई थी, तो उन्होंने फिर ये कहा कि यार ये परमानेंट नौकरी, फिर हड़ताल, फिर ये सब क्या चक्कर लगा दिया। और आप ये देखेंगे कि फिर ये कानून फिर भी क्योंकि सरकार इतनी दबाव में थी कि उन श्रम कानूनों को उन्होंने बदल नहीं पाए। 1971 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठेकेदारी का एक्ट बनाया, और ठेकेदारी का जो एक्ट बनाया उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है उस ये ठेका कानून इसलिए बना रहे हैं कि जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है उसके अलावा जो काम है जो कभी कभार काम होता उसके लिए इस तरीके के मजदूर रखे जाएंगे, और यहीं से ये चोर दरवाजा खुल गया था। और इसके बाद से जैसे ही वो एक्ट बना उसमें ये भी लिखा कि हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई श्रमिक इस तरीके का काम करता है, जिस तरीके का काम स्थायी श्रमिक कर रहा है, तो हम उस श्रमिक को सारी सुविधाएं ठेका मजदूर को और उसका वेतन उतना ही देंगे जो समान काम समान वेतन का कानून है। ये 1971 के एक्ट में लिखा हुआ है। 1971 से लेकर के 1990 तक एक फेस रहा है जिसमें जो है कारखानों के अंदर श्रम कानूनों में जो भी सरकारें थी वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाई 1990 तक। 1990 के बाद फिर एक नया बदलाव शुरू हुआ। वो क्या बदलाव था कि नई आर्थिक नीतियां दुनिया में एक नया अमेरिका के नेतृत्व में एक नया मॉडल पेश हुआ, और 1990 में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। उसका विघटन होते ही जो दुनिया के पूंजीपति हैं उन्होंने फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और नया लेकर के उन्होंने कहा कि अब ये नीति सही है। हमारे देश के अंदर 91 में ये जो ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीतियाँ हैं उसको हमारे देश की सरकार ने 1991 में लागू किया।
ये भी समझना है कि जब भी ये लागू हुआ तब हमारा देश हिंदू मुसलमान के राम मंदिर के आंदोलन में झुलस रहा था, और उस समय किसी को ये समझ में नहीं आया कि कौन सी नीति है और क्या होने वाला है। इस शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जो उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस ताकतवर रूप में थी, नीतियों को पारित किया। उस समय वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह जी थे, और ये कानून जो है, ये नीतियाँ हमारे देश में ध्वनि मत से पारित हो गई। टेबल ठोंक के सबने इसको पारित कर दिया। 1991 के बाद से फिर ये नई व्यवस्था पूरी दुनिया में शुरू हुई। ये तीसरा फेस है, मैं इसलिए आपको अलग अलग हिस्सों में समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे। और तीसरा फेस में जो है फिर वही शुरू हुआ कि पूंजीपतियों ने कहा कि भाई ये बहुत सारे श्रमिकों के कानून बन गए हैं, बहुत सारी इस तरीके की व्यवस्था बन गई है, इससे श्रमिकों का शोषण करना मुश्किल है, इससे हमारे कारखानों का हमको मुनाफा बड़ा बनाना मुश्किल है, इसलिए श्रम कानूनों को ख़त्म किया जाए, श्रम कानूनों को कमज़ोर किया जाए और एक खुली अर्थव्यवस्था लगाई जाए, और वहाँ से फिर श्रम कानूनों को ख़त्म करने का दोबारा जो है षड्यंत्र शुरू हुआ। ये समझ लीजिए कि जो षड्यंत्र हमारा जो 1800 की जो 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 पूंजीपति वर्ग था उसने जो शोषण किए थे, उसके बाद से जो हमने हासिल किया था, अब ये 1991 के बाद जो दुनिया का पूंजीपति है, हमारा देश का पूंजीपति है, वो ये कहने लगा कि फिर से जो है हमें वही पुराने वाला समय चाहिए, ताकि हम मजदूरों का शोषण, मजदूरों से ज़्यादा काम, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लूट, और हम उनसे गुलामी गुलामों की तरह काम करवा सकें। अब हमारे देश की ही बात करते हैं। 1991 के बाद से जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल जी आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, और 1999 में वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, जो 2003 तक रही। 1991 के बाद से जिसकी भी सरकार बनी, उस सरकार ने इन नई आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने जिसकी भी सरकार बनी उसने कहीं ना कहीं से श्रम कानूनों को कमज़ोर करने का काम किया, और उनका टारगेट था कि हमको इनको श्रम कानून को धीरे धीरे करके श्रम कानूनों को ख़त्म करना है। और जो ठेकेदारी का एक्ट था, पहला उन्होंने कहा कि किया कि जो भी जो सरकार बनी उन सरकारों ने श्रम कानूनों पर ढिलाई डाल दी, श्रम कानूनों का पालन करने का सिस्टम जो है कमज़ोर कर दिया, कारखानों के अंदर जो जांच के नियम थे, तगड़े नियम थे, उनको कमज़ोर कर दिया। उसके अलावा जो कारखानों में जांच होती थी, पेनाल्टियां होती थी, उनको सरकारों ने कमज़ोर कर दिया। इसलिए जो ठेकेदारी का एक्ट था, जो ठेका अधिनियम, जो स्थाई प्रवृत्ति के काम में स्थाई कामगार का था, मगर वो 1971 का जो ठेका कानून था उसके तहत पूरे हर कारखाने के अंदर उत्पादन के काम में ठेका श्रमिकों को लगाना शुरू कर दिया। 1995-96 से लगभग नई भर्तियां जो है बंद होने लगी। बहुत सारे कारखाने जिसमें 1996 के बाद 95 के बाद नई भर्ती नहीं हुई, वहाँ से सारा काम ठेकेदारी में कराने लगा। कानून नहीं बदला, मगर कानून को माना नहीं, कानून को कानून है मगर कानून को सरकार मान नहीं रही, सुन नहीं रही। आप जाओ ये आप लेबर डिपार्टमेंट चले जाइए, फिर आप कोर्ट जाइए, और कोर्टों की भी ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसका निर्णय जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में आएगा। तो मिला जुला करके मजदूर को परेशान किया, और परेशान करके फिर ये कहा कि आप मजबूरी में सारे कानून को स्वीकार करो। यहाँ से ये एक नया फेस शुरू हुआ, और ये फेस जो है जो शुरू हुआ, इस फेस के बाद से फिर 96 के बाद 98, 99, 2000 तक लगभग पूरी तरीके से सारे कारखानों में जो अटल बिहारी जी की सरकार आई थी, इस सरकार ने खुले रूप से, नंगे रूप से इन नीतियों को लागू किया। इन्होंने निजीकरण को पूरी तरीके से लागू किया, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए, बोली लगाने के लिए मंत्रालय बना दिया, और श्रम कानूनों को कमज़ोर करने का काम शुरू किया। बहुत सारे छोटे छोटे संशोधन इन्होंने किए, और उसके बाद से जो संशोधन किए उसके बाद से फिर जो है इनकी सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद से फिर ये जो सरकार UPA 1 आई,
यूपी वन में ये ध्यान रखना है कि यूपी वन में ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें वामपंथी दलों का समर्थन था। 2009 के बाद से यूपीए टू आया, यूपीए टू में के समय में वामपंथी दल सरकार में नहीं थे और फिर कांग्रेस की सरकार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां छोड़ा था उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया और इन्होंने भी श्रम कानूनों में संशोधन करना शुरू किया। इसी समय एक चीज़ और घटी साथ में कि 2000 के बाद से बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में सरकार बनी और 2000 के बाद में अटल बिहारी की वाजपेयी जी की सरकार दिल्ली में तो चली गई मगर जो बीजेपी की सरकार है राज्यों में थी, फिर उन्होंने राज्य स्तर पर श्रम कानूनों में संशोधन करना शुरू किया जिसमें सबसे अगली कतार में रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये फिक्स्टम जो कानून अभी बनाया नरेंद्र मोदी ने सेंटर में, ये 2003 और 4 में, मेरे को सन थोड़ा कन्फर्म याद नहीं, मगर बाबूलाल गौर उस समय मुख्यमंत्री बने थे और बाबूलाल गौर के समय में फिक्स्टम कानून मध्य प्रदेश में बन गया था। अभी इस सरकार ने सेंटर का कानून बनने के पहले जो जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उसने जो है स्वप्रमाणीकरण योजना करके एक कानून बनाया था जिसमें कोई भी श्रम कानून जो है पालन का रास्ता नहीं था। इसी तरीके से राजस्थान की सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। तो बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट था वो मध्य प्रदेश और राजस्थान था जिसमें बहुत सारे कानून परिवर्तन किए और 2014 में फिर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो उनका सोने पे सुहागा हो गया। 2014 से फिर इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ बर्बाद करने का फैसला किया और जो है नरेंद्र मोदी जी ने सारे श्रम कानूनों को सबसे पहले जो जांच के जितने लॉ थे उनको कमज़ोर किया और इन्होंने अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया। उसके बाद से इन्होंने फिर कह दिया कि 44 कानून पुराने सारे कानून ख़त्म करेंगे हम और नई चार संहिताएँ बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने सारे दो चार कोर्ट बनाए जिसमें दो कोर्ट को लोकसभा में पेश कर दिया। उसके साथ में इन्होंने और भी बहुत सारे कानून बदले और इन्होंने फिर धीरे धीरे करके श्रम कानून और जो ठेकेदारी जो फिक्स्टन मध्य प्रदेश में बना था इसको धीरे धीरे करके इन्होंने देश स्तर पर स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंज करके उसको देश स्तर पर लागू कर दिया। तो ये पूरा हिस्ट्री है जो इस तरीके से धीरे धीरे करके कानून में और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरीके से सारे श्रम कानूनों को लगभग ठिकाने लगा दिया और जो बीजेपी की सरकारें हैं वो तो और कांग्रेस की सरकारें उन्होंने तो पूरे श्रम कानून बिल्कुल उसको लेबर डिपार्टमेंट को कमज़ोर कर दिया, जांच के अधिकार ख़त्म कर दिए, श्रम विभाग में आप एप्लीकेशन देने जाओगे तो कोई जांच नहीं होगी, मतलब पूरी तरीके से घोषित रूप से इन्होंने सारे श्रम कानूनों को ठिकाने लगा दिया। ये वही समय लेके आए जो पूंजीपति कह रहा था जो 1886 में था जब कोई श्रम कानून नहीं थे, 1917 के पहले था जब कोई श्रम कानून नहीं थे। तो ये साथियों जर्नी है जो मैंने आपको समझाई, गुलामी का जर्नी। तो इस तरीके से हम वापस आज फिर उसी गुलामी में पहुंच गए हैं जब 1886 में थे। अब इस तार का जो गुलामी है वो बहुत अलग तरीके का है। अब हम इसको प्रोफेशनल गुलामी बोलते हैं। अब हम जो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं साथियों, ये आपको मैंने पूरी सीक्वेंस समझा दिया। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें फिर हम एक एक क्या क्या संशोधन हुआ और किस तरीके से गुलामी का जो नया रूप है उस किस कौन कौन सा ऐसा रूप है जिसमें ये गुलामी जो है ये थोप रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस समय में इसने बीजेपी की सरकार ने कोर्टों को कमज़ोर किया, श्रम कानूनों को कमज़ोर किया, श्रम कानून जितने पेनल्टी वो सब हटा दिए और इन्होंने कोर्टों को कमज़ोर किया ताकि कोई मजदूर को कोई भी न्याय कहीं मिल ना सके। ये स्थिति आज हो गया है, हम माने या ना माने, मगर हमारे देश के अंदर अभी क्या है कि अभी भी कुछ साथी परमानेंट हैं। ये परमानेंट जो साथी हैं इनको समझना है कि परमानेंट साथी उस पुराने जो मार्क्स और लेनिन की टाइम पे लड़ाई हुई, दुनिया का जो लड़ाई हुआ उस लड़ाई के कारण से हमारे देश में श्रम कानून बने और उस श्रम कानून की वजह से आज हम परमानेंट हैं। मगर अब परमानेंट करना सरकारों ने बंद कर दिया है तो हम जो भी अभी परमानेंट साथी ये आखिरी हैं, वो जो साथियों ने शहीद हुए मरे जो लोग उनका उनके वजह से उनकी कुर्बानी से जो फल मिला वो हम आखिरी लोग हैं खाने वाले, उस फल को हम खा रहे हैं।
मगर हमारे अंदर ये आज भी बिल्कुल ये दिमाग में नहीं है कि हमने हमारे हमारे लिए हमें जो सुविधा मिल रही इसके लिए किसी ने अपनी जान दी है, किसी ने अपना घर बर्बाद किया है, किसी ने अपने बच्चों को बर्बाद किया है, तब जाके आज हम जो है आराम कर रहे हैं। आज हमारी ये जिम्मेदारी है, मेरी साथ खासतौर से जो परमानेंट रेगुलर कारखानों में साथी हैं, जो सरकार में भी परमानेंट नौकरियों में हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आज की तारीख में हम सब की ये जिम्मेदारी है, खासतौर से जो रेगुलर, क्योंकि आज की तारीख में ठेका मजदूर लड़ नहीं पा रहा, बाकी सारे जो फिक्स्टर में वो तो लड़ने लायक है नहीं, ट्रेनिंग अप्रेंटिस में लड़ने लायक है नहीं, इस पूरी लड़ाई का नेतृत्व जो है जो परमानेंट मजदूर है, जो कारखानों में आज भी परमानेंट है, जिनको मालिक सीधा भगा नहीं सकते हैं, सरकारें सीधा हटा नहीं सकती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मजदूर आंदोलन का वो नेतृत्व करें। अपना खुद का भला नहीं सोचना है, अभी सारे लोगों का कारखाने के अंदर से पूरे मजदूर वर्ग की जमात है, उसके लिए श्रम कानून से लेके जो सारी ये लड़ाई जो होना है सरकार से लड़ने वाली है, उनको ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। असल बात यही है साथी। तो मैं अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ साथियों, और आपसे बहुत अपील करता हूँ कि ये जो सीरीज हम बना रहे हैं, इस सीरीज़ के सारे वीडियो आप सुनो, सारे यूथ तक पहुंचा, नौजवानों तक, ताकि हमारा यूथ समझ सके कि ये क्या है, ये शोषण कहाँ से आ गया, ये दुर्दशा कहाँ से आ गई, और आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो अब इसके बाद से हम एक एक कानून, दो दो कानून को कोलैप्स करके और एक एक वीडियो, अलग अलग छोटे छोटे वीडियो दोबारा बनाएंगे। तो आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को, वीडियो कैसा लगा आपको सुनने के बाद, ये अपना व्यू जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ये आपसे निवेदन है। उसके साथ में दो निवेदन है कि एक तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरा निवेदन ये है कि इसको जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखिए, आप लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें बाजू में घंटी बनी हुई है, तो पहले सब्सक्राइब का दबा दें तो वो काला हो जाएगा, काला हो गया मतलब सब्सक्राइब हो गया, और बाजू में घंटी बनी वो दबा दी आपने, उसके बाजू में दो निशान टाइप के आ जाएंगे, उसका मतलब है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, ये आपने कर दिया ना, चलो अब आप हमारे साथ जुड़ गए। और जुड़ने के बाद से अब जो भी हम नया वीडियो डालेंगे वो आपको, हम आपको इसका इंटीमेशन आएगा, आपको वो पता चलेगा, आप उनको सुन पाओगे। आपसे दूसरा मेरा अपील है कि इस तरीके से जो जोड़ने का काम है इस चैनल के साथ, लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़ना है साथियों, इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये जानकारी जो है हमारी देश की जनता को, मेहनत कश वर्ग को, यूथ को नहीं होगा तब तक कोई देश के अंदर बदलाव नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा अपील है कि ये जो मैंने वीडियो डाला इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें।